अरे बाबा आप चले, मैं आपको दूध पिलाती हूँ। नहीं मेरे को दूध पीना। हाँ हाँ दूध दूध। हाँ बाबा चलो। हे गाइस, स्वागत है एक बिल्कुल नए वीडियो में। तो हम आपके लिए ला चुके हैं पगलेट का सीजन 2। तो कहानी शुरू होती है एक मेंटल हॉस्पिटल से, जहां आशू नाम का एक पेशेंट था। तो नर्स दिव्या डॉक्टर को आशू के बारे में पूछती है कि इसकी हालत ऐसे कैसे हो गई और ये कुछ खाता पीता भी नहीं यहाँ पे। तो डॉक्टर इसे बताती है कि ये एक बहुत अमीर बाप का बेटा है। और अब हम आ जाते हैं पीछे कहानी में, जहाँ आशू जो बच्चों जैसी हरकतें कर अपनी मेड विमला को परेशान कर रहा था। एक्चुअली वो दिमाग से बच्चा ही था, लेकिन उसकी उम्र हो गई थी 22 साल। तभी इसका बाप राजीव दूसरी शादी करके आ गया था घर पे। तो उसकी नई वाइफ अपर्णा इसे बोलती है कि तुमने तो बताया था कि ये बीमार है, ये तो कहीं से भी बीमार नहीं लग रहा। तो राजीव बोलता है पूरी बात ये है कि आशू उम्र से तो 22 साल का है, लेकिन उसकी हरकतें 2 साल के बच्चों वाली हैं। राजीव बोलता है मैं आशू से बहुत प्यार करता हूँ, इसकी माँ की मौत के बाद ये बिल्कुल अकेला हो गया है, तुम इसका ख्याल रखोगी ना। तो अपर्णा बोलती है मैं इसे उसकी माँ से भी ज़्यादा प्यार दूंगी। अब बिमला भी अपनी नई मालकिन से मिलती है। राजीव अंदर जाता है तो आशू अपना मुंह सीधा उसके ब्रेस्ट पे लगा देता है और उंगली दिखा के बोलता है दूध पीना है, दूध पीना है। बिमला बोलती है चलो आशू बेटा मैं तुम्हें पिलाती हूँ दूध, और वो उसे अंदर लेके चली जाती है। यहाँ अपर्णा थोड़ी सोच में पड़ जाती है कि ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। अब आगे रात में हमें राजीव और अपर्णा के बीच का अच्छा खासा सौहार्द देखने मिलता है, जिसे देख आप में भी ऐसी तलब लग जाएगी कि आप कंट्रोल में नहीं रहोगे। लेकिन राजीव का बुढ़ापा उसे जल्दी थका देता है और उसकी वाइफ को नहीं मिल पाता चरम सुख। तो अभी अपनी उंगलियों के उपयोग करना चालू करती है और बाहर से इन्हें आंसू देख लेता है। इसकी भी नज़र थोड़ी जाती है कि कोई था, लेकिन ये अपना पूरा काम ख़त्म करके ही रुकती है। अब अगली सुबह जब अपर्णा किचन में थी तो आंसू पीछे से आके इसे पकड़ लेता है। इसे लगता है कि राजीव है, तो ये बोलती है आप काफ़ी रोमांटिक हो। तभी जैसी इसकी नज़र उस पर जाती है, ये उसे धक्का दे देती है और उसके सर पे लगती है चोट और आंसू हो जाता है बेहोश। तभी राजीव आता है और तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। ये बोलता है विमला कहाँ है और ये सब कैसे हुआ। अब डॉक्टर आती है, बोलती है हल्का चोट था, ट्रेसिंग कर दिया है, ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजने का सजेशन देती है, लेकिन राजीव बोलता है ये यहीं पर रहेगा। डॉक्टर चली जाती है, राजीव गुस्से में बोलता है विमला कहाँ है, अभी तक नहीं आई क्या। तभी एक लड़की आती है, बोलती है मैं सपना विमला की बेटी हूँ, मम्मी की तबीयत ख़राब है तो माँ ने मुझे ही आशु बाबा का ध्यान रखने के लिए भेजा है। राजीव बोलता है अच्छा ठीक है, अच्छे से ख्याल रखना इसका। अब रात में सपना इसे खाना खिला रही थी, तभी इसे इसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। वो बोलता है थोड़ा मूड ख़राब है, प्लीज़ दिखाओ ना। सपना बोलती है अभी नहीं, लेकिन ये जिद करने लगता है। तो अब ये आशू के सामने ही उसे वीडियो कॉल पर अपना ऊपर का सामान दिखा रही होती है। लेकिन जैसे ही आंसू की नज़र इस पे जाती है तो ये उसके ब्रेस्ट पे हाथ रख बोलता है दूध पीना है, दूध पीना है। तो ये उसे उसका बॉटल दे देती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड भड़क जाता है कि ये कौन है, किसका हाथ है वगैरह वगैरह। ये अपना प्रोग्राम बंद कर आंसू को बोलती है तुम दूध पियो मैं आती हूँ, और किचन में चली जाती है। बंदा भड़क रहा था, लेकिन ये उसे आंसू की हालत समझाती है तो वो शांत हो जाता है। और अभी किचन में पूरा खोल खाल के अपने बॉयफ्रेंड को अच्छे से दिखा देती है और खुद भी उंगलियों से शांत हो जाती है। अब अगली सुबह ये लोग इसे आंसू का ध्यान रखने बोल बाहर चले जाते हैं। आंसू बेड पे अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था तो ये उसके टॉयस और उसे दोनों को बेड से नीचे उतार देती है और बोलती है तुम नीचे खेलो, क्योंकि सपना को उसके सॉफ्ट बेड पर मज़ा आ रहा था। अभी अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और आंसू के सामने ही अपने पूरे कपड़े वपड़े निकाल के उंगलियों से चालू हो जाती है। वहाँ उसका बॉयफ्रेंड भी अलग मजे में था, लेकिन आंसू का ध्यान भी सपना पे जाता है और ये सपना को देख रहा था, लेकिन सपना को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो तो अपने ही धुन में मस्त थी। और ये पहला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसी के साथ वीडियो भी ख़त्म करते हैं, दूसरा एपिसोड आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।